गाइस 27th क्वेश्चन आपके सामने की द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज, यानी हमें थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है मोनो एटॉमिक गैस की, यानी एक अणु गैस की। के वी यहाँ पे बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ऑप्शन दे रखे 1/2 KBT या फिर 3/2 KBT या फिर 5/2 KBT या फिर 7/2 KBT। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। सो हमें पता है कि जो द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, यानी सभी सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगी, एवरेज थर्मल एनर्जी। सो फॉर अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस ईच ऑफ द थ्री डायरेक्शंस एक्स वाई जेड कंट्रीब्यूट 1/2 KT पर मोलिक्यूल्स, यानी सो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/2 KT पर डायरेक्शन दे रही, तो थ्री डायरेक्शन टोटल हो जाएगा 3/2 KT पर मॉलिक्यूल। सो इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि फोर मोनो एटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 है ना, यानी जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो है एवरेज थर्मल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 KBT। सो इसीलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो जाएगी 3/2 KBT। इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इट डजंट रिक्वायर सो मेनी नॉलेज। सो ये तो आपको पता ही होगा, ज्यादा नॉलेज की रिक्वायर्ड नहीं है, बस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट?